नमस्कार दोस्तों, RSD जनरल स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने इसे कट किया है। जितनी लंबाई रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा, 14 इंच इसकी हमने लंबाई ली है, 13 इंच तैयार होगी। बोट नेक गले पर ये डिज़ाइन है। शोल्डर लेंगे 7 इंच, 4 मोल भी लेंगे 7 इंच। 34 साइज के हिसाब से ये ले लिया है। अगर 32 साइज है तो उसके लिए भी आप यही नाप लेंगे, यही नाप चलेगा। 36 साइज तक ये नाप चलेगा। अब देखिए, इस तरह से गले की चौड़ाई 4 इंच 2 पॉइंट ले ली है और लंबाई का निशान हमने किया है 10.5 इंच पर। ऊपर से लिया है 2.5 इंच, ये बोट गले का जो ऊपर निशान करेंगे ये 2.5 इंच पर किया। इसके बाद जो आएगा अब उसे नीचे गले की जो इसके नीचे जो गला रखेंगे उसके डिजाइंस का निशान कर लेंगे। तो इस तरह से करना है। अब यहाँ से लेंगे 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच लेते हुए इस तरह से मार्क कर देंगे। और देखिए, यहाँ से 2-2 इंच लेना है। जब ये 2-2 इंच पर मार्क किया और इस तरह से अब डिजाइन इस साइड से रहेगी जो, उसका निशान कर लेना है। 2-2 इंच पर ये गुलाई देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद इसे निकालना है बुकरम के ऊपर। बुकरम को डबल फोल्ड करके अच्छे से दबा दिया है ताकि इस पर निशान आ जाए। उसके बाद ऊपर नीचे कट लगा दिया। अब इस तरह कपड़े के बराबर से वहीं से मिलाकर रखेंगे फैलाकर। उसके बाद पूरे गले का निशान इसके ऊपर निकाल लेना है। देखिए, अच्छे से निशान दिख रहा है, जहाँ से ये डिजाइन का निशान है गले का, वहीं से इसके ऊपर निकाल लेंगे। तो इस तरह में निकाल लेना है। जो नीचे डिजाइन के लिए बढ़ा कर लिया था वहाँ से निकाला है, ऊपर वाला छोड़ देना है। ऊपर वाले निशान का आपको कोई काम नहीं, तो वहाँ से हमने देखिए इस तरह निकाल लिया दोनों तरफ से, यानी पूरे गले का निशान निकालना है इसके ऊपर। तो दूसरी तरफ से भी निकाल लेंगे। अब फिर उसके बाद इसे कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह कट कर लेना है। 1.5 इंच बचाते हुए इस तरह से कट कर लिया है। तो ये हमारे गले की कटिंग देखिए हो गई है। अब हमें इस तरह कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो गला कट किया है उसको बनाना है। तो पहले इस पर दोनों पर सिलाई लगा कर जोड़ लेंगे। तो एक सिलाई देखिए इस तरह डाल दी। उसके बाद अब साइड से भी सिलाइयाँ इस तरह से डाल देंगे। तो पूरे पर हमें इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जहाँ पर कपड़ा थोड़ा बहुत देखिए इस तरह से ज़्यादा आएगा, उसे कट करके बराबर कर लेंगे। तो इधर से भी कट कर लेंगे। तो ये हमें इस तरह कट कर लेना है। उसके बाद इस बराबर से मोड़ते हुए सीधा निशान इस पर कर लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि इसका सेंटर समझ में आता रहे। तो इस तरह देखिए कर लेना है। तो ये हमने कर लिया। जो गला कट किया था उसको देखिए कपड़े पर रखकर एक सीधी सिलाई डाल दी है। अब बाहर वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई इस पर लगा लेंगे। तो इस तरह हमें सिलाई लगा लेनी है पहले। तो ये देखिए, ये सिलाई इस तरह लगा ली। अब दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे। ये जो इस पर जो देखिए निशान जहाँ से किया था, और गले पर जो निशान किया है कपड़े पर, उस दोनों को मिलाकर रखेंगे। बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखना है। और पहले एक सीधी सिलाई डालेंगे, उसके बाद पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान किया हुआ है वहीं से सिलाई में डाल लेनी है। तो इस तरह सिलाई आप लगा लेंगे। पूरे गले पर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद गले को कट करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब गले को इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ से देखिए ये कट होगा। दोनों तरफ से सिलाई इस पर डली हुई है, यहाँ से ये इस तरह से कट हो जाएगा। अब पूरे गले को इसी तरह कट करेंगे, जैसे जैसे ये डिजाइन का शेप है उसी तरह से कट भी कर लेना है। और उसके बाद कट करने के बाद पूरे गले पर कट लगाना है।
तो इस तरह पहले इसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद देखिए हमको इस तरह से कट लगा लेना है पूरे गले पर, सिलाई बचाते हुए इसी तरह से कट लगा लिया है। अब हमें जो ये बुकरम पट्टी है इसको अंदर की तरफ पलटना है और अच्छे से कपड़े को इस तरह से निकालते हुए अब अच्छे से इसको पलट लेंगे। उसके बाद देखिए इस पर हमने प्रेस कर दिया, अच्छे से सिलाइयाँ बैठ गई हैं। अब हमें इस पर तुरपाई लगा देनी है, ये जो कैनवस बुकरम पट्टी है इसके ऊपर इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई तुरपाई लगा लेंगे। तो ये लगा लेंगे, उसके बाद आगे के डिजाइन बनाएंगे ताकि पट्टी अच्छे से सेट रहे, नहीं तो डिजाइन बनाते समय कपड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो। तो इसलिए देखिए तुरपाई इस पर पूरे पर लगा देंगे। तो ये हमने तुरपाइयाँ लगा दी है, अब आगे की जो डिजाइन है उसे तैयार हमें करना है। उसके लिए इस तरह से सीधा कपड़ा ले लेना है और इसको मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने लगा ली है, अब इसको पलट कर सीधा करना है। पट्टी हमें लेनी है, देखिए जितनी चौड़ी लेनी है उस हिसाब से ले लेना है। इसकी चौड़ाई हम लगभग 1.5 इंच रखेंगे, 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा लेंगे, 1.5 इंच के आसपास ले लेना है। और उसके और फिर पलटने के बाद इसको कट करना है 2.5 इंच की। तो ये हमने पलट लिया, अब 2.5 इंच की कट कर लेंगे। तो इस तरह से अब हमें 2.5 इंच की कट कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको बांधना है बिल्कुल बराबर से, दोनों तरफ बराबर छोड़ते हुए यहाँ पर धागे को पक्का कर लेंगे। उसके बाद इस तरह धागा डालकर इसको बांध लेना है। अब यहीं से इसको इस तरह धागे से टाइट से बांध देंगे। उसके बाद एक मोती यहीं पर लगा देंगे। तो अब ये डिजाइन हमें जो नीचे हमने लिया था डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा, वहाँ पर ये पूरे पर रहेंगी। तो जितनी लगेगी तो इसी तरह से बनाकर हमें तैयार कर लेनी है पूरी डिजाइंस। तो ये मोतियाँ लगाएंगे अच्छे से, हमने देखिए मोती को लगा दिया है। अब धागे को पक्का करते हुए इसको कट करेंगे। तो ये हमने कट कर दिया इसी तरह। अब हमें सारी डिजाइनें जो जितनी इस पर लगेंगी सारी डिजाइनें हमको इसी तरह से तैयार कर लेनी है। पहले इसको देखिए बीचों बीच इस तरह धागे को डाल लेंगे, पक्का कर लेंगे और फिर इस तरह से इसको बांध कर एक मोती लगा देंगे। तो सारी डिजाइनें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसको लगाना है गले पर, पहले इसको पेपर पर डिजाइंस को लगा लेंगे, उसके बाद गले पर सेट करेंगे। तो ये डिजाइन हमने पूरी कर ली। अब लेना है हमें न्यूज़पेपर, ये हमने न्यूज़पेपर लिया है और इस तरह से बराबर से इसको फैलाना है, बिल्कुल बराबर से फैलाना है। फिर इसका निशान निकालना है नीचे वाला, नीचे जो हमने लिया था। अब इस तरह निकाल लेंगे और यहाँ से लेंगे 1.5 इंच, ऊपर से लिया 1.5 इंच और इस तरह मार्क कर दिया। अब इसको कट कर देंगे जो पेपर एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पेपर कट कर दिया है। अब यही डिजाइंस लेनी है जो बना ली है, इसको इस तरह रखेंगे और पूरे पर सिलाई लगाकर इसको लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह लगा लेना है और नीचे की तरफ से भी सिलाई डाल देंगे। तो हमने सिलाई डाल दी। अब हमें ये गले वाली साइड से कट करना है, पेपर को भी कट कर देंगे और कपड़ा भी जो सिलाई के बाहर जितना है कट कर देना है। तो ये हमने कट कर दिया। अब इस पर बनानी है हमें पाइपिंग। ये पाइपिंग पट्टी लेंगे, एक तरफ से मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये पाइपिंग पट्टी इस तरह तैयार कर लेनी है, उसके बाद इस पर पाइपिंग बना देनी है। तो इस तरह देखिए पाइपिंग बना लेंगे। तो ये हमने देखिए पाइपिंग बना दी है। अब लेना है हमें डोरी, तो ये डोरी बना ली है हमने इसी कपड़े से और 1.5 इंच की कट कर लेंगे। तो इस तरह कट करेंगे। ऊपर देखिए गले वाली साइड जितने पर डिजाइंस है उतने पर ये डोरी वाली डिजाइंस भी रहेगी। तो इस तरह से यहीं से लगाना इसको स्टार्ट करेंगे, इस तरह लगाना है। अब एक बराबर से पूरे पर इसको लगा लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए हमने इसको लगा लिया। अब इसको गले पर हमें सेट करना है, गले पर लगाना है। तो बराबर से देखिए मिलाकर, चाहे तो एक तरफ से पिन लगा दें, बिल्कुल बराबर से पहले मिला लेना है और फिर एक तरफ से सिलाई लगाकर इसको लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिया। अब इस वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे पर सिलाई लगा देंगे।
सिलाई को यहाँ पर पक्का कर लेना है, शुरू में और लास्ट में सिलाई को पक्का कर देना है ताकि सिलाई खुले ना। अब इस तरह इसको लगा देंगे और फिर इस साइड जब आएंगे तो लास्ट में भी सिलाई को पक्का करते हुए कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह सिलाई लगा दी इस पर। अब पेपर को हमें निकाल देना है। अब इन डिजाइनों पर मोतियाँ लगेगी जो डोरी वाली डिजाइन से, एक एक करके सभी पर मोती लगा देंगे। पहले पेपर को इस तरह निकाल देते हैं। तो ये पेपर हमें इस तरीके से निकाल देना है तो पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हमें लगानी है डिजाइनों पर मोतियाँ, सभी डिजाइनों पर एक एक करके लगाएंगे। जिस साइज किस पर आएगी उसी साइज की मोती ले लेनी है गोल्डन, और फिर पूरे पर लगा लेनी है एक एक करते हुए इस तरह से। इसके अंदर बैठ जानी चाहिए अच्छे से, इतनी बड़ी हमें लेना है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेना है कि ऊपर ऊपर ही रह जाए, इसके अंदर जो डोरी है इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए, इस साइज की लेना है और पूरे पर लगा देना है। तो ये देखिए हमने लगा दिया है। तो ये हमारा डिजाइन तैयार हुआ और लास्ट में इसका प्लेट्स डाल देंगे। तो ये बोर्डिंग गले का डिजाइन इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रंट इसका डीप और बोर्ड दोनों रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अगर डीप रखना चाहते हैं तो डीप भी रख सकते हैं, बोर्ड भी रख सकते हैं। तो ये हमारा डिजाइन तैयार हुआ। गले पर हम डोरी लगाएंगे। अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो एक बटन लगा सकते हैं इसको जोड़ते हुए। तो डिजाइन से बनके तैयार हुआ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।